क्या बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं? लाइफ, जिंदगी, बायोलॉजी। समझे बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? जब आप जिंदगी को पढ़िएगा तो उसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। जब यूनिवर्स के बारे में पढ़िएगा तो उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, जब आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़िएगा तो बैक्टेरियोलॉजी, वायरस के बारे में पढ़िएगा तो वायरोलॉजी की आपको स्टडी करना है, प्लांट के बारे में पढ़ना है तो बॉटनी हो गया, और एनिमल्स के बारे में पढ़ना है तो जूलॉजी हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बताइए कि जब आपको टिश्यू के बारे में आपको सब्जेक्ट लीजिएगा और टिश्यू के बारे में डिटेल जानना होगा तो इसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड टिशुलॉजी। मतलब है तो बस टिशुलॉजी, नहीं नहीं है, ये सब में ये नहीं जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स पता है क्या कहते हैं? एवियोलॉजी। मिला क्या? बर्डोलॉजी। हाँ, कुछ भी, स्टडी ऑफ केकड़ा केकड़ोलॉजी, कुछ भी माने। क्या होगा? स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? समझ में आया? ठीक है, चलिए। अरे चलो देखो, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में दो तरह का मेन टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं मेरिस्टिमेटिक टिश्यू और उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब ये कहाँ पाया जाएगा जी? ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट, यानी कि जहां से भी प्लांट का हाइट बढ़ सकता है, लंबाई बढ़ सकता है, चौड़ाई बढ़ सकता है, यानी कि उसका तना के पास भी हो सकता है। पहले आम का पेड़ लगाते हो तो इतनी सा रहता है, फिर धीरे इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है ना, यानी कि उसका स्टीम के पास भी होगा, रूट में भी पाया जा सकता है। रूट भी तो पहले उसका पतला सा होगा, फिर बहुत मोटा मोटा जड़ वाला रूट निकलेगा, जैसे बरगद का निकलता निकलता है ना, तो धीरे धीरे सबका होता है ना, तो ये वहां पाया जाएगा, रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस के आसपास। ठीक है, ग्रोइंग रीजन्स में। अच्छा, यहाँ सेल डिवीजन होता है क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में? क्या लिखा है? होता है, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तब ना ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। ग्रोइंग रीजन का क्या मतलब है? जहां ग्रोथ हो, और ग्रोथ कहाँ होगा? जहां सेल डिवीजन हो, सिंपल सी बात है। तो है, अच्छा, इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा वो बहुत ही होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब एक तरीके का, होमोजीनियस का मतलब होमोजीनियस हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन पढ़े हो ना जी? हाँ, तो वही है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल बोलो, सुगर और वाटर कैसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस या हिट्रोजीनियस? अरे जो दिखे नहीं, पानी घोल देंगे, चीनी, चीनी में पानी घोल देंगे, पहचान जाओगे क्या चीनी घुला हुआ है? नहीं ना, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है ना। हेट्रोजीनियस क्या होता है? जो दिख जाए डायरेक्टली, इसमें क्या मिला दिए जी, इंक गिर गया है, हाँ, उसको हेट्रो, सिंपल सा है, तो होमोजीनियस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसके अलावा इस तरह के टिश्यू का शेप क्या होता है? तो राउंड और ओवल। ओवल किसको बोलते हैं? अंडा जैसा। कैसा? अंडा जैसा। राउंड मतलब राउंड, क्लियर है? चलो अब देखो, एपिकल है लेट, अच्छा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरीके का होता है? तीन, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। इंटर कैलरी में क्वेश्चन लिखा है, बताएंगे। एपिकल का मतलब देखो, ये क्या प्रोवाइड करता है? लेंथ। अब प्लांट ऐसे है तो लेंथ इसका कैसे होगा? यहाँ पे लेंथ का क्या मतलब था? हाइट। यानी कि ये टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये क्या किसमें मदद करता है? प्लांट का हाइट बढ़ने में, लेंथ बढ़ने में, क्लियर है? लैटरल क्या करता है? गर्थ। स्टीम पहले इतना सा था, मतलब पहले आम का पेड़ इतना सा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना, अब इतना हो गया, तो ये इस साइड जो बढ़ रहा है लैटरल, ठीक है, वो कौन मदद करता है? लैटरल टिश्यू जो गर्थ देता है। इस तरह के विड्थ को क्या बोलते हैं? गर्थ, क्लियर है? चलो, इंटर कैलरी क्या होता है? सुनो देखो क्या है इसके अंदर, अब यहां देखो समझाने वाला है, बाद में लिखना पढ़ना, जिधर ध्यान लगाना इधर सुन लो। इसके अंदर अब जैसे कि प्लांट है, तो प्लांट का जो है ऐसे करके आपका लेयर होगा। पहला वाला क्या होगा? एपिकल। दूसरा वाला क्या होगा? क्या होगा? इंटर कैलरी। ठीक है, और इसके भी बीच में क्या होगा? ये वाला पार्ट लैटरल, यानी कि इंटर कैलरी कितना में आया? तीसरे नंबर पे आ रहा है। अब एक चीज हमको बताओ, सॉरी सॉरी, हम उल्टा बता दी,
यही इंटर कैलरी है, यानी कि एपिकल के बाद पहले कौन आएगा, इंटर कैलरी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, लैटरल आएगा। अच्छा अब एक बात सुनो, ये तो हरे पड़े हरे हरे पेड़ पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है, इनको जानवर तो खाएगा ही। अब जानवर खाएगा तो सबसे आगे क्या खाएगा, एपिकल खा गया, एपिकल खा गया, अब इसका लंबाई कैसे बढ़ेगा, एपिकल वाला जो पार्ट था, ये वाला टिश्यू जो था, उसको खा गया हरा भरा जानवर, ठीक। तो अब इस, ये तो प्लांट बौना रह जाएगा ना, इसका हाइट कैसे बढ़ेगा, तब आता है वहां पे इंटर कैलरी। जो पार्ट वो लोग नहीं खा पाता है वो क्या होता है, इंटर कैलरी, यानी कि एपिकल और इंटर कैलरी का काम क्या है, सेम, क्या है, सेम, बस इंटर कैलरी अंदर रहता है और जो लोग पार्ट खा जाता है, कौन सा खा जाता है, एपिकल पार्ट खा जाता है। तब उस केस में उस प्लांट का जो हाइट बढ़ता रहे वो कौन मदद करेगा, इंटर कैलरी, क्लियर है। यानी कि ये कुछ नहीं है, इसके नीचे वाला जो परत है वही क्या है, इंटर कैलरी। बात समझ में आ गई, क्लियर, चलो लैटरल तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन में क्या लिखा है, नहीं, यानी कि ये बूढ़ा हो चुका होगा, अब क्या ही ग्रोथ करेगा। अब जैसे कि 80 साल का आदमी, अब उसका हाइट बढ़ेगा क्या, हाँ, बॉडी बनेगा क्या, कुछ और ग्रोथ करेगा क्या कहीं से, नहीं ना, तो वहां सेल डिवीजन होने का चांसेस है। इसीलिए देखते हो उन लोग का जो शरीर होता है, मांस होता है, कैसे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, क्योंकि वो मैच्योर हो जाता है काफी। अब उसमें कोई ग्रोथ नहीं होना है, किसी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं होना है, तो वो अब परमानेंट हो गया। मतलब अब जान है कि नहीं है, नहीं कह सकते, कहीं जान मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं होगा कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए वो ऐसा हो जाता है। देखो जान तो कुछ जगह पे तो होगा ना, तभी तो जिंदा है, लेकिन कुछ जगह पे नहीं है तभी लटक गया है ना, झुर्रियां आ गई है ना, बात समझ रहे हो, तो मिक्स रहेगा। तो उसी तरह का होता है क्या, परमानेंट टिश्यू, सेल डिवीजन नहीं होगा, मैच्योर टिश्यू होते हैं, मे बी डेड और अलाइव, जिंदा भी हो सकते हैं और मरे भी रहते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब होता है भाई जो एक तरह का दिखता हो, एक ही तरह का सेल हो, एकदम सिंपल है, पहचान लोगे, एक का कुछ तो नाम होगा ना, नर्व मतलब नर्व सेल, ठीक है, आपका मसल मतलब मसल सेल। अब एक ऐसा जगह बनाए हम जहां मसल सेल एक ठो लगा दिए, नर्व सेल एक ठो लगा दिए, ब्रेन सेल एक ठो लगा दिए, लीवर वाला सेल एक ठो लगा दिए, हार्ट वाला एक ठो लगा दिए, तो क्या काम करेगा, उसको कहेंगे क्या, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हो जाएगा ना, समझ में आ रहा ना बात, तो वही हो जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यानी कि जो अब अलग होने के लिए क्या चाहिए, दो को तो पार्टी अलग अलग होना ही चाहिए, तब ना उसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे कि यार ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, कोई एक ठो रहता तब ना कहते, तो मिनिमम दो तो चाहिए और उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ अलग अलग तरह का सेल से बना जो हो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्लियर है बात। और सिंपल टिश्यू जो सेम तरह के सेल से बना हो उसको सिंपल टिश्यू। अब सिंपल पढ़ लेते हैं, देखो ये दोनों को इसलिए अंडरलाइन करके छोड़े बाबू, क्योंकि ये दोनों पूरे टिश्यू चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो अब जगह तो है नहीं और इम्पॉर्टेंट चीज को तो ऐसे बताएंगे नहीं साइड में इतनी छोटे से जगह में, ठीक है, तो उसको अच्छा से बताने के लिए इसलिए उसको सर्कल करके रखे हैं। अब बात करते हैं सिंपल टिश्यू की। सिंपल टिश्यू में तीन तरह का टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा जो होता है, इसका जो सेल वॉल होता है, हर एक सेल का सेल वॉल होता है ना, तो वो पतला होता है, ठीक है, इसका भाई मोटा होता है मगर इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब उबड़ खाबड़, कोई भी एक रेगुलरिटी, जैसे ये पूरा सरफेस रेगुलर है ना, ये रेगुलर है ना, अब रोड कैसा होगा बताओ, ये कैसा सरफेस है, हाँ, इरेगुलर, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर, यानी कि इसका जो आपका सेल वॉल होगा, इसका कोलेन्काइमा का क्या होगा, इरेगुलर, और उसका रेगुलर बट थिक, इसका इरेगुलर थिक है, उसका रेगुलर थिक है, मतलब वो ये दोनों तो मोटा है, अब ये इरेगुलर है, ये रेगुलर मतलब ये हर तरफ से मोटा होगा, और ये कहीं मोटा कहीं कम मोटा कहीं ज्यादा मोटा ऐसा, ठीक है, और इधर तो पतला है, ठीक है। अब इसके बीच में इंट्रा सेलुलर स्पेसेस, मतलब एक सेल दूसरा सेल, अब इसके बीच में ये वाला स्पेस दिख रहा है, हाँ, इधर इधर, तो इसके बीच में स्पेस है, ठीक है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते हो ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस रहता है ना, उसी की बात हो रही, तो इसमें है, इसमें बहुत कम है और इसमें तो नहीं। अब एक बात बताओ, जिसमें नहीं है उसमें कुछ स्टोर कर पाओगे, जैसे सॉलिड के अंदर कुछ भरना चाहेंगे भर पाओगे,
लिक्विड के अंदर कुछ भरना चाहेंगे, भर पाओगे, लेकिन यहाँ तो गैस है, यहाँ तो क्या क्या चीज भर के रखे हुए देखो, है ना, टेबल, फोन, तुम, हम भर के रखे हैं ना, गैस भी तो है यहाँ पे, क्योंकि इसके स्पेस, इसके मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, स्पेस है। अब इसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, ये अपने अंदर से गैस आर पार होने देता है और साथ में पानी भी रखता है, क्योंकि इन दोनों में तो ना के बराबर जगह, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, क्लियर है। अब इसका क्या काम है, देखो ये और ये फंक्शन है, उसका क्या काम है, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि पेड़ अपने जगह पे एकदम खड़ा रहे वो सपोर्ट देगा, और अगर कोई पेड़ को ऐसे लटक के कूदता भी है तो ये नहीं कि तुरंत टूट जाए, इलास्टिसिटी देता है, लचीलापन, वापस और फिर वापस आ जाएगा, तना आता है ना, तो वो इसके वजह से आता है, कॉलिन कैमरा। और ये क्या देगा, स्क्लेरेन कैमरा मैकेनिकल सपोर्ट ये भी देगा, बट ये लोग क्या होता है, नॉन लिविंग, मतलब जिंदा रहता है क्या, बात समझ में आया,